So today let's begin with the second part of the chapter, the tsunami. So second part is about the Tilly Smith, a British school girl who saved many lives when the tsunami struck the Phuket beach in Thailand. So though she won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? So here we came to know that even though helping so many people and saving their lives, जो Tilly Smith थी उसके जो parents थे वो नहीं चाहते थे कि जो उनकी बेटी है वो कोई television पे interview वगैरह दे या heroine बन जाए. एंड उसको इवन दो बहुत सारे अवार्ड्स मिले बट फिर भी वो ये सब नहीं चाहते थे. आपको क्या लगता है कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा या किया होगा? सो लेट्स सी द स्टोरी. द स्मिथ फैमिली फ्रॉम द साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. सो द जो स्मिथ की फैमिली थी जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहने वाले थे वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे एट अ बीच रिजॉर्ट इन सदर्न थाईलैंड में. Tilly Smith जो थी वो सिर्फ 10 ईयर्स ओल्ड थी. हर सिस्टर उसकी जो छोटी बहन थी वो 7 साल की थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. सो उनकी जो मदर थी उनका नाम पेनी स्मिथ था एंड जो फादर थे उनका नाम कॉलिन स्मिथ था. इट वॉज 26 दिसंबर 2004 की बात थी जब डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. दे हैड बीन ट्रिगर्ड बाय अ मैसिव अर्थक्वेक ऑफ नॉर्दर्न सुमात्रा अर्लियर देन मॉर्निंग. सो the day was 26th of December 2004 when deadly tsunami ne aake bahut tabahi machayi aur itna they had been triggered by a massive earthquake. the reason uska ye tha ki ek earthquake ne aake usko struck kiya tha jo ki bahut hi zyada tez tha jo ki northern sumatra mein pehle morning mein wahan pe destruction kar chuka tha already. sumatra is also the island, the group of islands in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में से एक है. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड कैप कमिंग इन. सो यहाँ पे द वाटर वॉज स्वेलिंग हेयर मीन्स स्वेलिंग इज द कि जैसे स्वेलिंग होती है तो सूज जाता है या बढ़ता जाता है. तो सेम वे है जो पानी का जो लेवल था वो बढ़ता जा रहा था एंड और ज़्यादा बढ़ रहा था. तो पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड वो कहती है कि मुझे जहाँ तक याद है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर. और बीच जो था ऐसा लग रहा था कि पानी बढ़ता जा रहा है और जो बीच है जहाँ पे वो लोग थे वो छोटा होता जा रहा है एंड स्मॉलर. आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग. और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है ये सब. बट Tilly Smith sensed that something was wrong. हर माइंड kept going back to a geography lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. लेकिन Tilly Smith जो थी उसको कुछ ना कुछ याद आ रहा था. उसके दिमाग में एक ज्योग्राफी का लेसन चल रहा था जो कि उसने अपने स्कूल में 2 ही हफ्ते पहले पढ़ा था जब वो यहाँ पे थाईलैंड से बाहर आई थी अपनी फैमिली के साथ. उससे पहले जो उसने अपने स्कूल में ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था उसको वो लेक्चर और वो सारी एक्टिविटी याद आ रही थी कि उसकी मैम ने उसकी टीचर ने उसको क्या पढ़ाया था. सो Tilly saw the sea slowly rise. उसने देखा कि जो समुद्र है जो वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है एंड स्टार्ट टू फोम. और वहाँ पे बबल्स वगैरह बढ़ते जा रहे हैं उसमें अलग तरीके के राउंड एंड राउंड फिगर्स टाइप वो बनता जा रहा है. बबल एंड फॉर्म वर्पूल्स. सो यहाँ पे वर्पूल्स इज़ अ वर्ड यूज फॉर कि जैसे साइक्लोन टाइप का होता है ना, एक बवंडर टाइप का, इस तरीके से राउंड एंड राउंड पानी में बन जाना. शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस in class in video of a tsunami that had hit the Hawaiian island in 1946. तो उसको याद आया कि उसकी geography की teacher ने उसको जो video दिखाई थी tsunami के ऊपर उसमें भी इसी तरीके से ये bowlder type का round round बन रहा था. सो उसको वो चीज़ दिमाग में आई. her geography teacher had shown her class the video जो कि उसकी ज्योग्राफी की टीचर ने उसको वीडियो दिखाई थी एंड टोल्ड देम दैट सुनामीज कैन कॉज्ड बाय अर्थक्वेक वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स. जिसमें उसको ये याद था कि जो सुनामी है वो किसी भी कारण से हो सकती है, अर्थक्वेक्स की वजह से, वॉल्केनोज की वजह से या फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से. तो वो जो थी उसके दिमाग में वही ज्योग्राफी का लेसन या वीडियो बार बार माइंड में स्ट्रक कर रहा था कि इस तरीके से उसने कोई वीडियो देखी है.
टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली जो थी वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपनी फैमिली को बोलने लगी कि यहाँ से चलो सब लोग। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, वो एक ही बात बार बार दोहरा रही थी कि समुद्र के नीचे जो है वो अर्थक्वेक आ रहा है, यहाँ से चलिए। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल, वो जो थी वो और ज़्यादा हिस्टेरिकल हो गई थी। हिस्टेरिकल इज अ वर्ड, जब कोई एक सिचुएशन, जब कोई चीज़ बेकाबू हो जाती है, जब कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं रहती, अनकंट्रोल्ड हो जाती है। सैड हर मदर पैनी, जो कि उसकी मदर बताती है कि वो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टेरिकल बिहेव कर रही थी। और वो बोलती हैं, आई डिड नॉट नो व्हाट अ सुनामी वॉज बट सीइंग माय डॉटर सो फ्राइटेंड, वो कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि सुनामी क्या है, लेकिन उन्होंने जब अपनी बेटी को देखा कि वो इतना ज़्यादा डरी हुई है, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तो उन्हें ये बात लगा कि नहीं कुछ तो सीरियस है डेफिनेटली। टिलीज़ पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, तो टिली के जो पेरेंट्स थे उन्होंने टिली को और जो उसकी 7 ईयर्स ओल्ड की छोटी बहन थी उसको, दोनों को लेके वहाँ से चले गए टू द स्विमिंग पूल एट द होटल, जो कि होटल में एक स्विमिंग पूल था वहाँ पर जाके उसे ले गए। अ नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और उन्हें ये देख के टिली को बाकी के जो टूरिस्ट थे वो भी वहाँ से चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और जब जैसे ही वो वहाँ से गए, जा ही रहे थे, तब उन्होंने देखा कि पूरा जो समुद्र था वो उनकी तरफ आने लगा तेज स्पीड में। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, और वो पेनी की मदर बोलती है, सॉरी पेनी बोलती है टिली की मदर कि, और मैं चिल्लाने लगी कि यहाँ से भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, जो फैमिली थी, जो पेनी जो थी एंड उनकी जो पूरी फैमिली थी, वो लोग थर्ड फ्लोर पे जाके रिफ्यूज किए। रिफ्यूज मीन्स वहाँ पे जाके वो छुपे हुए थे, उन्होंने वहाँ पे जाके शरण ली हुई थी। द बिल्डिंग विदस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामीज वेव्स, जो बिल्डिंग थी विदस्टूड हेयर मीन्स कि वो भले ही उसमें 3 सुनामी की जो तार वेव्स आई, लेकिन वो बिल्डिंग फिर भी वहाँ पे खड़ी थी। विदस्टूड मीन्स वहाँ पे वो तभी भी खड़ी रही। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, और वो कहती है कि अगर वो वहाँ बीच में रुकी होती, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो डेफिनेटली वो जिंदा न रहती। द स्मिथ लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, और जो स्मिथ की जो फैमिली थी, बाद में जब वो वेव्स कम हो गई, जब सुनामी का जो एक प्रेशर था जब वो कम हो गया, तो जो पूरी फैमिली थी वो बाकी के लोगों से मिलने, जिन्होंने अपनी फैमिलीज को खो दिया उनसे मिलने वो गए। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, उसकी मदर टिली की कहती है कि थैंक गॉड कि टिली ने जो चीज़ एकदम से समझी और जो उसने ज्योग्राफी लेसन को दिमाग में रख के जो उन्होंने रिएक्शन दिया, दे हैड बीन फोरवॉर्न्ड, कि उन्हें उससे पहले ही फोरवॉर्न्ड मीन्स द उन्हें पहले ही चेतावनी मिल गई थी कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, एंड यही वो रीज़न था कि वो सब बच गए। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और जब टिली वापस अपने स्कूल इंग्लैंड में गई एंड टोल हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, सो बाद में जाके वहाँ पे अपनी क्लासमेट्स को उसने ये डरावनी भयानक सी टेल हेयर मीन्स द स्टोरी ये बताई कि उसके साथ वहाँ पे कैसे क्या हुआ। सो आई होप आप लोगों को ये सेकेंड पार्ट समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट विल बी द थर्ड पार्ट। So today let's begin with the second part of the chapter, the tsunami. So second part is about the Tilly's